प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस के कजान की यात्रा पर जाने से पहले भारत और चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर नई सहमति बन गई है और इसी के तहत भारत और चीन एलएसी से अपने अपने सैनिकों को पीछे हटाने को तैयार हो गए हैं। इसी के साथ एलएसी पर दोबारा पेट्रोलिंग को लेकर भी एग्रीमेंट हो गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इंडिया चीन बॉर्डर एग्रीमेंट की जानकारी देते हुए कहा है कि दोनों देश मिलिट्री डिसएंगेजमेंट करेंगे और अब 2020 से पहले वाली स्थिति में जा रहे हैं। 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी और इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार था। अब रिपोर्ट से कहती है कि नई डील के बाद भारत और चीन के सैनिक देपसांग और डेमचोक पॉइंट से पीछे हटेंगे और दोबारा पेट्रोलिंग शुरू कर देंगे। Over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas.